नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई एक कहानी बोझ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी तक समय पर पहुंच जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सागरपुर गांव में आज बड़ी धूम है। नौबत और नगाड़ों के बजने से गांव गर्म हो उठा है। एक सप्ताह से यहां जो उधम मच रहा है उसे गांव के और आसपास चार पांच कोस तक के सभी लोग जानते हैं। इस राजसूय यज्ञ में ढोल नगाड़ों का ऐसा एकत्र समावेश, शहनाई वालों का ऐसा आदर्श ऐक्य भाव, कांसे के बाजों का ऐसा प्रकांड विक्रम दिखाई दिया कि इस गांव के लोगों ने इससे पहले ऐसा उपद्रव कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे वाद्य यंत्रों की सहायता से मनुष्य जाति में जो आनंद कोलाहल उठ खड़ा हुआ था उससे गांव के पशु अत्यंत विरक्त हो उठे थे। इतने आनंद समारोह का कारण एक नाबालिग 14 वर्ष के बालक का विवाह था। सागरपुर के जमींदार श्रीयुत हरदेव मित्र के एकमात्र पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में ही ऐसा आयोजन हो रहा था। हरदेव मित्र बहुत बड़े आदमी हैं। प्रायः 25-26 हजार रुपए वार्षिक आमदनी है उनकी। वर का नाम श्रीयुत सत्येंद्र कुमार मित्र है। हेयर साहब के स्कूल में वह एंट्रेंस क्लास में पढ़ रहा है। इतनी छोटी उम्र में विवाह का एकमात्र कारण सत्येंद्र की माता की वधु देखने की प्रकांड साध ही है। बर्दवान जिले के दिलजानपुर के जमींदार श्रीयुत कामाख्या चरण चौधरी की छोटी पुत्री सरला के साथ सत्येंद्र का विवाह हो गया। बहुत सुंदर है, सत्येंद्र बड़ा सुखी है। 10 वर्ष की सुंदर छोटी सी बहू का मुंह देखकर सत्येंद्र की माता विशेष प्रसन्न हुई। विवाह के दूसरे वर्ष ही हरदेव बाबू बहू को विदा करा लाए। कारण गृहिणी की ऐसी इच्छा नहीं थी कि बहू को पिता के घर में रहने दिया जाए। वे प्रायः कहती विवाह हो जाने पर लड़की को फिर पिता के घर नहीं रहने देना चाहिए। राय बुरी भी नहीं थी। सत्येंद्र की पढ़ाई की सुविधा के लिए हरदेव बाबू को स्त्री सहित कलकत्ता में ही रहना पड़ता था। सरला कलकत्ता आ पहुंची। अल्पायु में विवाह होने के कारण सरला हरदेव बाबू से बात करती थी। यही क्यों, सत्येंद्र के उपस्थित रहने पर भी वह सास के साथ बात करती। सास को इससे आनंद के अतिरिक्त दुख नहीं होता था। कुछ दिन पश्चात कामाख्या बाबू सरला को एक बार घर लिवा ले गए। उसके 2-1 महीने बाद सत्येंद्र एक दिन रुष्ट होकर बोला, किताबों में धूल भर गई है, दवात की स्याही सूख गई है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इन चीजों को देखे। माँ बात समझ गई, हरदेव बाबू के कान में भी पड़ी। उन्होंने हंसकर बहू को बुला भेजा, लिखा, हमारे घर में बड़ा उपद्रव उठ खड़ा हुआ है, बहू के बिना नहीं रुकेगा, अस्तु बहू को भेज दीजिए। सरला फिर आ गई। सत्येंद्र के छोटे मोटे कामों को वही करती, पुस्तकों को झाड़ पोंछ कर सजा कर रखती, कॉलेज के कपड़े लत्तों को ठीक करके रख देती, अर्थात जल्दी में दोनों बाहों में दो प्रकार के बटन लगे कि भोजन करने में अधिक विलम्ब हो गया है, कॉलेज का 1 घंटा बीता जा रहा है, एक पांव में कारपेट का और दूसरे पांव में वार्निश किया हुआ जूता वह न पहन डाले, उजले साफ कोट पर धोबी के घर जाने वाली चादर जुल्म न कर बैठे। इन सब कामों को सरला ही देखती। सरला के न होने पर इन सब में प्रायः गड़बड़ी हो ही जाती। भाग 2, सुशीला के लड़के का अन्नप्राशन। सुशीला सरला की बड़ी बहन है, उसके लड़के का अन्नप्राशन है। अस्तु कामाख्या बाबू देवते के अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में घर के सब लोगों को साथ लेकर जाने के लिए कलकत्ता आए। सरला की दीदी ने सरला और सत्येंद्र को आने के लिए विशेष अनुरोध पूर्वक पत्र लिखा है। विशेषतः सरला प्रायः 3 वर्ष से दिलनासपुर नहीं गई है। सत्येंद्र भी अब जाने के लिए तैयार हो गया। कामाख्या बाबू अत्यंत आनंद में भरकर जमाई और कन्या को साथ लेकर घर लौट आए। गृहिणी बहुत दिनों बाद उन्हें देखकर अत्यंत आह्लादित हुई। जिसके लड़के का अन्नप्राशन है,
उसने आकर दोनों को बहुत सी बातें सुनाई और अनेक प्रकार से प्रसन्न कर दिया। शुभ कर्म निर्विघ्न समाप्त हो जाने के उपरांत सत्येंद्र ने घर लौटना चाहा, परंतु गृहिणी ने इस संबंध में बड़ी आपत्ति की। बोली, इतने दिनों बाद आए हैं, और भी कुछ दिन ठहरना होगा। सरला ने भी नहीं छोड़ा। अस्तु और भी दो चार दिन रहने के लिए सत्येंद्र तैयार हो गया। दो चार दिन कट गए, तब भी सरला नहीं छोड़ना चाहती, परंतु न जाने से भी नहीं बनेगा। पढ़ाई लिखाई की बहुत हानि होगी, परीक्षा में भी अधिक समय नहीं है। आने के समय सरला ने पूछा, मुझे कब लेवा ले जाओगे? सत्येंद्र ने कहा, जब चलोगी तभी, तो मुझे 10-12 दिन बाद ही लेवा ले जाना। सत्येंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसने इतना सोचा भी नहीं था। उस समय आंसुओं के बीच सरला ने पति को विदा देते हुए हंसकर कहा, देखो मेरे लिए चिंता मत करना और रात भर पढ़ पढ़कर बीमार मत हो जाना। रात में 10 बजे से अधिक देर तक न पढ़ने के लिए सरला ने विशेष रूप से अपने सिर की शपथ दिला दी। न जाने कैसा रीता सा मन लिए हुए सत्येंद्र उसी दिन कलकत्ता पहुंचा। सत्येंद्र एक पुस्तक लेकर बैठा है। पुस्तक के पृष्ठों के साथ मन का एक विषम द्वंद युद्ध चल रहा है। सत्येंद्र ने गिनकर देखा, सारे दिन में केवल 26 पंक्तियां ही पढ़ी हैं। दुखी होकर उसने सोचा, वाह, इसी तरह पढ़कर पास होऊंगा। क्रमशः दुख किंचित क्रोध में परिणत हो गया। उसने सोचा, यह सब उसी सरला का दोष है। आज 5 दिन हो गए, तनिक भी पढ़ नहीं पाया। पहले लगता था कि पढ़ते समय विरक्त करने के लिए 10 बजे से अधिक का समय होते ही वह प्रकाश बुझा देती है, अतः इसे कहीं भेज देने पर ही अच्छी तरह पढ़ सकूंगा। अब ठीक उल्टा है, कल उसे लेने जाऊंगा, अन्यथा क्या शर्म के कारण फेल हो जाऊं? जो भी हो, सत्येंद्र कोई इसकी तरकीब निकाल रहा था कि किस तरह उसे लाया जाए। कहूं तो किस तरह कहूं, लज्जा लगती है, उससे इतना प्यार कैसे हो गया। 2 दिन, नौकर ने आकर एक टेलीग्राम हाथ में दिया। सत्येंद्र अत्यंत विस्मित हुआ, और सोचने का समय नहीं है, कहां का तार है। लिफाफा खोलते समय सत्येंद्र का हृदय धड़कने लगा। भीतर जो लिखा था उससे मस्तक एक बार घूम गया, सरला बीमार है। उसी दिन हरदेव बाबू ने सत्येंद्र को लेकर दिलनाजपुर की यात्रा की। घर के सामने ही कामाख्या बाबू से भेंट हुई। हरदेव बाबू ने चिल्लाकर पूछा, बहू कैसी है? कामाख्या बाबू ने कहा, आइए भीतर चलिए। हरदेव बाबू ने भीतर जाकर देखा, सरला हैजे से पीड़ित है। एक दिन में ही सरला को जैसे पहचाना नहीं जा सकता। आंखें बैठ गई हैं, कमल जैसे मुखड़े पर स्याही फिर गई है। वे हरदेव बाबू समझ गए हालत अधिक अच्छी नहीं है। आंखें पोंछते हुए पुकारा, बेटी सरला। सरला ने आंखें खोलकर देखा। उस समय सरला को बहुत चेत था। कैसी हो बेटी? उसने सुना, हंसकर बोली, ठीक तो हूँ। दोनों जने ही समझ गए, परस्पर समझौता हो गया। सबके चले जाने पर सत्येंद्र पास आकर बैठ गया। भीषण आतंक से मुंह से बात नहीं निकली। तदुपरांत जबरदस्ती नीरस टूटे हुए गले से सत्येंद्र ने पुकारा, सरो, यह क्या भूल हुई? सरला ने देखा, उसने हरदेव बाबू को देखकर पहले से ही सत्येंद्र के आगमन का बहुत कुछ अनुमान कर लिया था। सरला को पति से मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। हंसकर बोली, क्यों लेने आए हो? आवाज बैठ गई है। अब तक किसी प्रकार सत्येंद्र आंखों में आंसुओं को रोके हुए था। अब हालत देखकर वह बालू का बांध टूट गया। सत्येंद्र जानता था यह रोने का समय नहीं है, परंतु जली हुई आंखों को क्या इतनी समझ है। बहुत धीरे धीरे स्वच्छता पूर्वक उन्होंने एक के बाद एक करके बूंदे बहाना शुरू कर दिया। वे जैसे सरला के अंग में समाई जा रही हूँ। ऐसा अवसर उन्हें कभी मिला है क्या? नहीं, कभी नहीं मिला। तुम्हारी या सरला की खातिर वे क्या ऐसा सुयोग छोड़ दें? सरला ने पति को कभी रोते हुए नहीं देखा था।
वह भी रोने लगी। बहुत देर बाद आंखें पोंछती हुई बोली, छी रोते हो, पुरुषों को क्या रोना चाहिए, यह क्या ठीक है। सरला खूब समझ गई, अंतरदहा से वे सूख कर काठ हो जाएं, परंतु एक बूंद पानी भी बाहर न गिरे। आंसू स्त्रियों के लिए हैं, पुरुषों को उनमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। यंत्रणा से जल जाने पर वे रो नहीं सकते, रोने पर स्त्री हो जाएंगे। सरला, यह अवस्था क्या तुम्हारे ही लिए है। सरला पति के हाथ को अपने हाथ में दबाती हुई रो उठी। दूसरे जन्म में विश्वास करते हो क्या, सत्येंद्र रोता रोता बोला, करता था या नहीं सो नहीं जानता, परंतु आज से पूर्ण रूपेण विश्वास करूंगा। सरला के मुख पर किंचित हंसी का चिन्ह दिखाई दिया। औषधि पिलाने का समय हो गया देखकर कामाख्या बाबू, हरदेव बाबू एवं डॉक्टर बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर ने नाड़ी पकड़ते हुए कहा, आशा बहुत कम है, तो भी ईश्वर की जो इच्छा हो। ईश्वर की इच्छा से दूसरे ही दिन सवेरे 7 बजे सरला की मृत्यु हो गई। संध्या के समय हरदेव बाबू सत्येंद्र को साथ लेकर कलकत्ता लौट आए। भाग 3, फिर विवाह। क्या जाने क्या हो गया है, राजशैया पर शयन करके इंद्रत्व का सुख थोड़ा बहुत प्राप्त कर रहा था, किसी ने जैसे झकझोर कर उस सुख स्वप्न को भंग कर दिया। आधी रात में उठ बैठा हूँ, नींद टूट गई है, मेरा आजीवन साथी उस अधटूटी खाट पर सो रहा है, मैं रोऊं या हंसूं। सुख के स्रोत में अनंत की ओर बहा जा रहा था, अचानक जैसे अनजाने लोगों के जाल में बंध गया हूँ और शायद कभी बचकर न जा सकूंगा। सब कुछ जैसे बदल गया है, जीवन के केंद्र तक को न जाने कौन खींच कर परिधि से बाहर ले गया है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, यह क्या हो गया। रात में सत्येंद्र खिड़की के सहारे बैठा हुआ सागरपुर का अंधकार देख रहा था। पेड़ पौधे न जाने कैसे निस्तब्ध हो सत्येंद्र के साथ मूक वाक्य विनिमय कर रहे थे। साए साए करती हुई नैश पवन बहती हुई चली गई। कुछ कह गई है क्या, कहेगी क्या, वही एक बात, सब वस्तुएं वही एक बात कह जाती हैं। क्या हो गया, पपीहा अब पिया पिया नहीं बोलता, ठीक जैसे कहता है मर गया, बहू कहाँ है, कहकर पिड़कुलिया भी अब अपनी बोली नहीं बोलती, वह भी कहती है बहू मर गई। सब वस्तुएं यही एक बात बार बार कहती हुई कहाँ क्यों भाग रही हैं। साए साए करता हुआ नैश पवन जैसे एक ही बात कहता है, नहीं नहीं वह नहीं है। कैसे हो सत्य, माथे में क्या बहुत दर्द मालूम हो रहा है, उसे तो अब बहुत दिन हो गए, जरा सो जाओ भाई, चिरकाल से क्या एक ही भाव से इस खिड़की के सहारे बैठे रहोगे। सत्येंद्र अंधेरे में नक्षत्रों को देख रहा था, जो सबसे अधिक क्षीण थे उन्हें विशेष रूप से आंखें गड़ाकर देख रहा था, आंखें बंद करने का साहस नहीं होता। देखते देखते क्लांत होकर वह उसी जगह सो गया। सवेरे नींद टूटने पर फिर उसी ओर देखने की चेष्टा करता, उजाला अच्छा नहीं लगता, चांदनी से अब प्रसन्नता नहीं होती, इन क्षीण प्रकाश वाले नक्षत्रों में प्रकाश दिखाई देता है। सत्येंद्र एमए की परीक्षा में फेल हो गया, पास होने की इच्छा भी अब नहीं है, उत्साह बुझ गया है, पास करने से क्या नक्षत्र पास आ जाएंगे। हरदेव बाबू सपरिवार देश गांव लौट आए हैं। सत्येंद्र कहता है वह घर रहकर ही अच्छी तरह परीक्षा दे सकेगा, शहर की इतनी धमाचौकड़ी में अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। सत्येंद्र इस समय और ही तरह का आदमी हो गया है, उसका मुंह देखकर लगता है जैसे बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, जैसे संपूर्ण कष्टों से हाल ही में आरोग्य लाभ किया है। दोपहर के समय सत्येंद्र कमरे का दरवाजा बंद कर फोटोग्राफ की धूली झाड़ पोंछकर साफ करने लगता है, अपनी पुरानी पुस्तकों को सजाने बैठ जाता है, हारमोनियम का ढक्कन खोलकर इधर उधर साफ किया करता है, सरला द्वारा परिष्कृत पुस्तकों का और अधिक परिष्कार करता है, अच्छे अच्छे कागज लेकर सरला को पत्र लिखकर न जाने क्या पता लिखकर अपने ही बक्स में बंद कर देता है।
सत्येंद्रनाथ तुम अकेले नहीं हो, अनेक लोगों का भाग्य तुम्हारी ही तरह अल्पायु में जलकर भस्म हो जाता है। सभी क्या तुम्हारी ही तरह पागल हो जाते हैं? सावधान सत्येंद्र, सभी की एक सीमा होती है। स्वर्गीय प्यार की भी एक सीमा निश्चित है। यदि सीमा छोड़ दोगे तो कष्ट पाओगे, कोई बचा नहीं सकेगा। सत्येंद्र की माता बड़ी बुद्धिमती हैं। उन्होंने एक दिन पति को बुलाकर कहा, हमारे सत्य को क्या हो गया है, देख रहे हो? पति ने कहा, देख तो रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, दूसरा विवाह कर दो। अच्छी बहू आने पर सत्य फिर हंसेगा, फिर बात करेगा। उस दिन सत्य खाना खाने बैठा तो माता बोली, मेरी एक बात सुनेगा? क्या? तुझे दूसरा विवाह करना होगा। सत्य हंसकर बोला, यह बात? सो इस उम्र में यह सब क्यों? माँ ने पहले से ही आंसू इकट्ठे कर रखे थे, वे आज बिना बात के बहने लगे। माँ आंखें पोंछकर बोली, बेटा यह 21 वर्ष की उम्र कोई बड़ी नहीं है। सरला की बात याद आने से यह सब बातें मुंह पर लाने की इच्छा नहीं होती, परंतु मैं अब अकेली नहीं रह सकती। दूसरे दिन प्रातःकाल हरदेव बाबू ने सत्येंद्र को बुलाकर यही बात कही। सत्येंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। हरदेव बाबू समझ गए, मौन भाव सहमति का ही लक्षण है। सत्येंद्र ने कमरे में आकर सरला के फोटो के सामने खड़े होकर कहा, सुनती हो सरो, मेरा विवाह होगा। काश फोटोग्राफ बात कर सकता। कर सकता तो क्या कहता, ठीक तो है, यही कहता क्या? भाग 4, नलिनी। सत्येंद्र का विवाह इस बार कलकत्ता से हुआ। शुभ दृष्टि के समय सत्येंद्र ने देखा, मुंह बहुत सुंदर है, होने दो सुंदर, तथापि सोचा, उसके माथे पर एक बोझ आ पड़ा। विवाह के बाद 2 वर्ष तक नलिनी पिता के घर में ही रही। तीसरे वर्ष वह श्वशुर के घर में आई। गृहिणी ने नववधु का चांद सा मुखड़ा देखकर फिर सरला को भूलने का प्रयत्न किया, फिर गृहस्थी चलाने की चेष्टा की। रात में जब दोनों जने पास पास सोते रहते तो कोई किसी से बात नहीं करता। नलिनी सोचती, इतनी उपेक्षा क्यों? सत्य सोचता, यह कहाँ की कौन है जो मेरी सरो के स्थान पर सो रही है। नववधु लज्जा के कारण पति से बात नहीं कर पाती। सत्येंद्र सोचता, बात न करना ही अच्छा है। एक दिन रात में सत्येंद्र की नींद टूट गई। उसने देखा बिछौने पर कोई नहीं है। अच्छी तरह निगाह उठाकर देखा, कोई एक व्यक्ति खिड़की के पास बैठा है। खिड़की खुली हुई है, खुले हुए मार्ग से चांदनी का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। उस प्रकाश में सत्येंद्र नलिनी के मुंह का कुछ भाग देख सका। नींद की खुमारी और चांदनी के प्रकाश में वह मुख अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ा। कान लगाकर उसने सुना, नलिनी रो रही है। सत्येंद्र ने पुकारा, नलिनी? नलिनी चौंक उठी, पति बुला रहे हैं। अन्य स्त्री क्या करती पता नहीं, परंतु वह धीरे धीरे आकर बैठ गई। सत्येंद्र बोला, रो क्यों रही हो, क्यों रोती हो? आंसुओं का प्रवाह द्विवेग मात्रा में बहने लगा। उसकी 16 वर्ष की उम्र में पति ने यही प्यार की बात कही है। बहुत देर तक दबा दबा कर रोने के बाद आंखें पोंछकर धीरे धीरे वह बोली, तुम मुझे क्यों नहीं देख पाते? क्या पता क्यों नहीं। सत्येंद्र को भी बड़ी रुलाई आ रही थी। उस रुलाई को रोकते हुए वह बोला, तुम्हें नहीं देख पाता यह किसने कहा? नलिनी चुपचाप सुनने लगी। सत्येंद्र कुछ देर चुप रहकर बोला, सोचा भी, यह बात किसी से नहीं कहूंगा, परंतु न कहने से भी कोई लाभ नहीं है। तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, सब बातें खुलकर कहने पर समझ जाती कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं अब भी सरला को, अपनी पहली स्त्री को भूल नहीं सका हूँ। भूल जाऊंगा ऐसा भरोसा भी नहीं करता, इच्छा भी नहीं होती। तुम अभागे के हाथ में आ पड़ी हो, तुम्हें कभी सुखी कर सकूंगा ऐसी आशा नहीं होती। अपनी इच्छा से मैंने तुम्हारे साथ विवाह नहीं किया, अपनी इच्छा से तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकूंगा। गहरी रात में दोनों व्यक्ति बहुत देर तक इसी भाव से बैठे रहे। सत्येंद्र समझ गया,
नलिनी रो रही है, वह भी रोया था क्या? एक एक कर सरला की बातें उसे याद आने लगीं। धीरे धीरे वह मुख हृदय में स्पष्ट हो उठा। लेने आए हो, याद आया। बिना बुलाए आंसुओं को सत्येंद्र की आंखें अवरुद्ध कर गईं। तदुपरांत गालों पर बहते बहते धीरे धीरे झरने लगे। आंखें पोंछकर सत्येंद्र धीरे धीरे नलिनी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, रो मत नलिनी, मेरे हाथ में क्या है? रात दिन भीतर ही भीतर मैं किस यंत्रणा को भोग रहा हूँ उसे नहीं जानता। मन में बड़ा कष्ट है। यह कष्ट यदि कभी दूर हो तब तो तुम्हें प्यार कर सकूंगा और तभी फिर तुम्हारी देखभाल कर सकूंगा। इस विषादपूर्ण स्नेहमयी बात का मूल्य कितने लोग समझते हैं। नलिनी बड़ी बुद्धिमती थी, वह पति का कष्ट समझ गई। पति उसे प्यार नहीं करते, यह बात उसने उनके मुंह से सुनी तो भी वह रूठी नहीं। बेवकूफ लड़की, 16 वर्ष की उम्र में भी यदि अभिमान नहीं करेगी तो कब करेगी? परंतु नलिनी ने सोचा, रूठना पहले है या स्वामी पहले हैं? उस दिन से क्या करने से पति का कष्ट दूर होगा, यही उसकी चिंता का एकमात्र विषय हो गया। किस प्रकार से स्वामी सौत को भूल सकेंगे, यह बात उसने एक बार भी नहीं सोची। दुखिया का यदि कोई व्यथा भागी हो, कष्ट में यदि कोई सहानुभूति प्रकट करे, दुखी की कहानी को कोई आग्रह पूर्वक सुने, तो शायद उस जैसा हेतु इस संसार में और कोई नहीं है। इसके पश्चात सत्येंद्र नलिनी को प्रायः पहले की बातें बताया करता। बहुत रातें दोनों जनों ने उसी एक ही बात में बिता दी। सत्येंद्र ही केवल कहता हो यह बात नहीं है, नलिनी भी आग्रह पूर्वक पति के पहले प्यार की कथा को सुनना पसंद करती थी। भाग 5। 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बीत गए हैं। नलिनी की उम्र अब 18 वर्ष की है। उसे अब पहले की भांति कष्ट नहीं है। अब पति उसकी उपेक्षा नहीं करती। पति के प्यार को उसने जबरदस्ती पा लिया है। जो किसी वस्तु को जबरदस्ती लेना जानता है, वह उसे रखना भी जानता है। उसे अब और कोई कष्ट नहीं है। सत्येंद्रनाथ इस समय पवना का डिप्टी मजिस्ट्रेट है। स्त्री के यत्न से, स्त्री के एकाग्र प्यार से उसमें अनेक परिवर्तन हो गए हैं। कचहरी के काम से अवकाश पाकर वह नलिनी के साथ गपशप करता है, हंसी मजाक करता है, गाना बजाना करके प्रसन्न होता है। एक वाक्य में सत्येंद्र बहुत कुछ मनुष्य हो गया है। मनुष्य जिसे पा नहीं सकता, वही वस्तु उसकी अत्यंत प्रिय सामग्री होकर खड़ी रहती है। मनुष्य का चरित्र ऐसा ही है। तुम अशांति में हो, शांति ढूंढने को घूम रहे हो। मैं शांति भोग रहा हूँ, तो भी कहीं से जैसे अशांति को खींच लाया करता हूँ। फल को ग्रहण करना जैसे मनुष्य का स्वभाव सिद्ध भाव है, सत्येंद्र नाथ भी मनुष्य है। मनुष्य का स्वभाव कहाँ जाएगा? इतने प्यार, यत्न और शांति के बीच रहकर भी उसके हृदय में कभी कभी बिजली की भांति अशांति जाग उठती है। पल भर में ही मन के भीतर वैद्युतिक क्रिया की भांति जो उपद्रव खड़ा होता है, उसे संभाल लेने में नलिनी को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी उसके मन को लगता, शायद अब यह संभाल नहीं सकेगी। इतने दिनों की चेष्टा, यत्न, अध्यवसाय सभी निष्फल हो जाएंगे। नलिनी की जरा सी त्रुटि देखते ही सत्येंद्र सोचता, सरला के रहने पर शायद ऐसा नहीं होता। होता या नहीं भगवान जाने, शायद नहीं होता, शायद इसकी अपेक्षा चौगुना होता। परंतु उससे क्या, वह मछली जो भाग गई है। सत्येंद्र अब भी सरला को भूल नहीं पाता। कचहरी से आते ही यदि वह नलिनी को नहीं देख पाता तो मन में सोचता, कहां वह, कहां यह। नलिनी बड़ी बुद्धिमती है, वह सदैव स्वामी के पास ही रहती। कारण, वह जानती है अब भी वे सरला को भूले नहीं हैं। एकदम भूल जाएं, यह इच्छा नलिनी के मन में कभी नहीं होती। तो भी व्यर्थ ही वे मन में कष्ट न पाएं, इसीलिए वह सदैव पास रहती है, देखभाल करती है। सरला को वे न भूलें, परंतु उसका भी वे निरादर तो नहीं करते, यही नलिनी को बहुत है। गोपीकांत राय पवना के एक संभ्रांत वकील हैं।
कलकत्ता में उनका मकान नलिनी के मकान के पास ही है। किसी एक रिश्ते से नलिनी उन्हें चाचा जी कहकर पुकारती है। राय चाची प्रायः ही सत्येंद्र के घर घूमने फिरने आती हैं। गोपी बाबू भी प्रायः आते हैं। गांव के रिश्ते के चचिया ससुर का सत्येंद्र नाथ बहुत सम्मान करते हैं। सत्येंद्र का निवास उनके घर से दूर होते हुए भी दोनों परिवारों में बहुत मेलजोल हो गया है। नलिनी भी कभी कभी चाचा के घर जाती है। कारण, एक तो चाचा का घर दूसरे गोपीनाथ बाबू की कन्या हेमा के साथ बहुत मेल है। वह बाल्यकाल की सहेली है, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहती। उस दिन उस समय 12 बज गए थे। सत्येंद्र कचहरी चले गए थे। कोई काम न देखकर नलिनी चित्र बनाने बैठ गई। परंतु उसी समय धड़धड़ करती हुई एक गाड़ी डिप्टी साहब के घर के सामने आने लगी। कौन आया है? शायद हेमा है। अधिक सोचना नहीं पड़ा। विषम कोलाहल करती हुई हेमांगिनी आ उपस्थित हुई। हेमा ने आकर एकदम नलिनी के केश पकड़ लिए। कहा, और लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, उठो हमारे घर चलो, कल बड़े भाई की बहू आई है। नलिनी ने कहा, बहू आई है तो साथ क्यों नहीं ले आई? हेमा ने कहा, सो कैसे होता, नई आई है, एकदम उसे यहाँ कैसे ले आती? नलिनी ने कहा, तो मैं ही वहां कैसे जाऊंगी? हेमांगिनी हंसती हुई बोली, तेरा सिर जाएगा, यह मैं अभी खींचे लिए जाती हूँ। बाल पकड़कर खींचते हुए ले जाने पर नलिनी को ही क्यों, बहुतों को जाना पड़ता, सो नलिनी को भी जाना ही पड़ा। जाने में नलिनी को विशेष आपत्ति थी, कारण उसके घर जाकर लौटने में देर हो जाती थी। दो एक दिन नलिनी के घर से लौटने से पहले ही सत्येंद्र नाथ कचहरी से लौट आए थे। उस हालत में सत्येंद्र को बड़ी असुविधा होती। वे कुछ मन में सोचते चाहे ना सोचते, नलिनी बड़ी लज्जित होती, क्योंकि वह जानती थी कि कचहरी से लौटने पर उसके हाथ की हवा खाए बिना पति की गर्मी दूर नहीं होती। विधाता की इच्छा, बहुत प्रयत्न करने पर भी आज नलिनी 7 बजे से पहले नहीं लौट सकी। आकर उसने देखा, सत्येंद्र समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। उस समय तक कुछ भी खाया नहीं है। खिलाने का भार नलिनी ने अपने ही हाथ में रखा था। पास आने पर सत्येंद्र हंसे, पर वह हंसी नलिनी को अच्छी नहीं लगी। वह मन में सिहर उठी। आसन बिछाकर नलिनी ने जलपान कराने की चेष्टा की, परंतु सत्येंद्र ने कुछ भी नहीं छुआ। बिल्कुल भूख नहीं है, बड़ी साध्य साधना से भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। नलिनी समझ गई वह अभिमान किस लिए है। भाग 6, भाग्य फूट गया क्या। आज हेमांगिनी ससुराल जाएगी। उसके पति उपेंद्र बाबू उसे लेने आए हैं। नलिनी का बहुत दिनों से हेमा के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसी से आज हेमा ने बहुत दुखी होकर उसे आने के लिए लिखा है। नलिनी ने प्रतिज्ञा की थी कि पति की आज्ञा के बिना वह फिर कभी कहीं नहीं जाएगी, परंतु आज उस प्रतिज्ञा की रक्षा करने पर प्रिय सखी के साथ फिर मुलाकात नहीं हो सकती। नलिनी बड़ी विपत्ति में पड़ी। हेमा ने लिखा था वे 3 बजे की ट्रेन से रवाना होंगे, तब पति की आज्ञा किस प्रकार ली जा सकती है। बहुत कुतर्कों के बाद नलिनी ने जाना ही निश्चित किया। जाते समय उसने दासी से कह दिया, ठीक 3 बजे के वक्त राय बाबू के मकान पर गाड़ी भिजवा देना। गाड़ी भी भेजी गई, परंतु हेमा का 3 बजे की ट्रेन से जाना न हो सका। अस्तु उसने नलिनी को किसी भी प्रकार नहीं छोड़ा। बहुत जिद करके भी वह हेमा के हाथ से छुटकारा न पा सकी। हेमा आज बहुत दिनों के लिए जा रही है, बहुत समय तक फिर भेंट नहीं होगी, सहज ही कौन छोड़ दे। घर लौटने में विलंब होने से पति रुष्ट होंगे, यह बात कहने में नलिनी को शर्म लगती थी। सहज ही यह बात कौन कह सकता है, इस हीनता को कौन स्वीकार करे, विशेषकर इस आयु में। अंत में वह बात भी उसने कही, परंतु हेमा ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह हंसती हुई बोली, बेवकूफ मत समझना, नाराजी वाराजी की बात मैं खूब समझती हूँ। उपेंद्र बाबू भी बहुत नाराज होना जानते हैं।
बात को हेमा ने हंसी में उड़ा दिया, परंतु नलिनी को हार्दिक कष्ट हुआ। सभी के पति क्या एक ही सांचे में ढले हुए हैं? सभी क्या उपेंद्र बाबू की तरह हैं? नलिनी जब लौट कर आई तब रात के 10 बज गए थे। आकर उसने सुना, बाबू बाहर सो गए हैं। मातंगिनी उर्फ मातू नलिनी के मायके की नौकरानी थी। वह नलिनी के साथ आई थी। बहुत पुरानी नौकरानी होने से वह नलिनी को बहुत अधिक स्नेह करती थी। इसी से आज उसने नलिनी को 10 कड़ी बातें सुना दी। घर में केवल वही जानती थी कि सत्य बाबू ने बहुत नाराज होकर ही पलंग बाहर बिछाने की आज्ञा दी थी। गंभीर रात्रि में जब पलंग पर लेटकर आंखें बंद किए हुए सत्येंद्रनाथ पूर्व स्मृति को जगाने की चेष्टा कर रहे थे, जब वे बहुत दिनों से गायब प्रफुल्ल कमल सदृश सरला के मुख के साथ नलिनी के मुख की तुलना कर रहे थे, जब सरला के प्यार के समक्ष नलिनी के प्यार समुद्र के समक्ष गौस्पद के जल की धारणा करने के लिए मन के भीतर विषम आंधी को उत्पन्न कर रहे थे, उसी समय धीरे धीरे द्वार खोलकर नलिनी ने उस कमरे में प्रवेश किया। सत्येंद्र ने आंख उठाकर देखा, नलिनी है। नलिनी आकर सत्येंद्र के पांवों के पास बैठ गई। सत्येंद्र ने आंखें बंद कर ली। बहुत समय इसी तरह कट गया। देखकर सत्येंद्रनाथ विरक्त हो गए। करवट बदलकर पुरुष भाव से स्पष्ट स्वर में कहा, तुम यहाँ कैसे? नलिनी रो रही थी, कुछ नहीं कर सकी। रोना देखकर डिप्टी साहब कुछ और क्रुद्ध होकर बोले, रात हो गई, जाओ भीतर जाकर सो जाओ। नलिनी रो रही थी। इस बार आंखों का पानी पोंछ कर वह बोली, तुम सोने चलो। सत्य ने गर्दन हिलाई, बोले, मुझे बड़ी नींद आ रही है, अब नहीं उठ सकूंगा। रोने से सत्येंद्र विरक्त हो उठे। नलिनी ने आंखों का पानी पोंछ लिया। पति के पास वह और नहीं रोएगी। धीरे धीरे उनके पांवों के ऊपर हाथ रखकर नलिनी बोली, इस बार मुझे क्षमा कर दो, यहाँ तुम्हें बहुत कष्ट होगा, भीतर चलो। सत्येंद्र ने अब भीतर न जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। वे बोले, इतनी रात बीते कष्ट सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। नलिनी सत्येंद्र को पहचानती थी। सारी रात उसने अपने कमरे में बैठकर रोते हुए काट दी। बोली, ओ हेमांगिनी, एक बार देख जाना, नाराजी वाराजी की बात तो तू खूब समझती है, एक बार मिटा क्यों नहीं जाती। दूसरे दिन भी सत्येंद्र घर के भीतर नहीं आए और नलिनी के साथ साक्षात्कार नहीं किया। नलिनी का एक पत्र मातू ने सत्येंद्र के हाथ में दिया। उन्होंने उसे बिना पढ़े ही मातंगिनी के सामने फाड़कर फेंकते हुए कहा, यह सब फिर मत लाना। 4-5 दिन बाद नलिनी के बड़े भाई श्रीयुत नरेंद्र बाबू पवना में आ पहुंचे। अचानक बड़े भाई को देखकर नलिनी अत्यंत संतुष्ट हुई, परंतु उससे भी अधिक चकित रह गई। दादा कैसे? नरेंद्र बाबू ने नलिनी से भेंट कर हंसते हुए कहा, घर जाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो गई बहन? उतावली? बात का अर्थ नलिनी उसी समय समझ गई। वह हंसकर बोली, तुम लोगों को बहुत दिनों से देखा जो नहीं है। भाग 7। हाँ, फूट गया। जिस दिन पति के चरणों में प्रणाम करके नलिनी अपने बड़े भाई के साथ गाड़ी में सवार हुई, उस रात में सत्येंद्रनाथ जरा देर को भी नहीं सो सके। सारी रात सत्येंद्र सोचते रहे। इतना न करने पर भी चल सकता था। बहुत बार सत्य के मन में आया, अब भी समय है, अब भी गाड़ी को लौटवा लें। परंतु हाय रे अभिमान, उसी के कारण नलिनी को लौटाकर नहीं लाया जा सका। जाते समय मातू भी संग गई थी, वही केवल जाने का यथार्थ कारण जानती थी। नलिनी ने मातू को विशेष रूप से कह दिया था कि वह घर पर कोई बात ना कहे। नलिनी ने सोचा, यह बात प्रकट करने से पति का अपयश होगा, भले हो या बुरे हो, लोग उसके पति को बुरा कहने वाले कौन हैं? पिता के घर आकर नलिनी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया।
छोटे भाई को गोद में लिया तो भी वह हंस नहीं सकी। माँ बोली, मेरी नलिनी एक ही दिन की गाड़ी की थकान से सूख गई है, परंतु वह शुष्क मुख फिर प्रफुल्ल नहीं हुआ। दुनिया में प्रायः ही देखा जाता है, किसी सामान्य कारण से ही गुरुतर अनिष्ट की उत्पत्ति होती है। सुपर्णखा का किंचित चित्त चांचल्य ही सोने की लंका ध्वंस होने का हेतु बना। छोटी सी रूप लालसा के लिए ट्रॉय नगर ध्वस्त हो गया। महानुभाव राजा हरिश्चंद्र सामान्य कारण से ही ऐसे विपत्तिग्रस्त हुए कि संसार में वैसा दृष्टांत दूसरा नहीं है। यहाँ भी एक साधारण अभिमान से विषम विपत्ति उत्पन्न हो गई। सत्येंद्र नाथ को क्या दोष दिया जाए, नलिनी कभी अभिमान नहीं करती। पति के कष्ट की बात मन में सोचकर वह चुपचाप सहन करती रही, पर अब नहीं सहा गया। उसने सोचा, इस क्षुद्र कारण से वह पति द्वारा परित्यक्त हुई तो मर ही क्यों नहीं जाती। दारुण अभिमान से नलिनी सूखने लगी। उस ओर सत्येंद्र का अभिमान समाप्त हो चला है। एक क्षण न रहने पर जिसका काम नहीं चलता उसका यह मिथ्या अभिमान कितने दिनों तक ठहरेगा। अभिमान अब घोर कष्ट का कारण बनकर खड़ा हो गया है। सत्येंद्र प्रतिदिन प्रतीक्षा करते, शायद आज नलिनी का पत्र आएगा, शायद वह लिखेगी कि मुझे ले जाओ। सत्येंद्र सोचते, ऐसा होने पर माथे पर रख कर ले आऊंगा और कभी ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। परंतु होनहार को कौन लांग सकता है, जो होना है वही होगा। हम तुम क्षुद्र प्राणी मात्र हैं। आज कल करते हुए 6 महीने निकल गए, हतभागिनी ने कोई बात नहीं लिखी। पापिष्ठ सत्येंद्रनाथ टूट गए परंतु झुके नहीं। 6 महीने बीत गए, क्रमशः सत्येंद्र का जीवन असह्य हो उठा, लुप्त अभिमान फिर प्रकट हो उठा, क्रोध ने आकर उसमें योग दे दिया। हिताहित रहित सत्येंद्रनाथ ने अपना दोष नहीं देखा, सोचा जिसे अहंकार है उससे वैसा ही प्रतिशोध लेने की आवश्यकता है। कोई भी अपना दोष नहीं देखता। ये दोनों अर्धमिलित हृदय फिर चिरकाल के लिए विभिन्न हो चले। यौवन के प्रारंभ में संकुचिता लता को खींचकर बढ़ाया गया था, परंतु इस बार टूटने का उपक्रम हो उठा। सत्येंद्रनाथ तुम्हें दोष नहीं देता, उसे भी नहीं देता। दोनों जनों ने भूल की है, अपराध नहीं किया। भूल देख पाने पर आत्मग्लानी कैसी अधिक होती, इसे भगवान ही जानते हैं। हम भी नहीं समझ सकते, तुम भी नहीं समझ सकते। समझ में नहीं आता किस आकांक्षा किस साध को पूर्ण करने के लिए तुम लोगों ने इतना कर डाला। साध नहीं मिटती, मिटाने की इच्छा भी नहीं है। क्या साध है इसे भी शायद अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता। तथापि कातर हृदय किसी एक अतृप्त आकांक्षा से हर समय हाहाकार कर उठता है। क्या हुआ करता है, क्यों ऐसी अदृश्य की गति उस लक्ष्यहीन प्रांत में परिचालित होती है, किसी भी प्रकार इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। जो होनहार है वह होगा ही। इच्छा होने पर भी, मन के साथ द्वंद युद्ध करने पर भी तुम्हें अपराध से छुटकारा दूंगा। दूंगा क्या। भाग 8। पुष्पशैया। ऐसी रूप गुणवती बहु लड़के को पसंद नहीं आई, गृहिणी को बड़ा दुख है। ऐसी चांद सी बहु लेकर भी गृहस्थी नहीं चलाई जा सकी, सोचकर गृहिणी अत्यंत उदास हो उठी। माता के सैकड़ों प्रयत्नों से भी पुत्र का मत नहीं बदला। अब और क्या उपाय है, लड़के को पसंद न हो तो किसकी बहू। लड़के के आदर से ही बहू का आदर है, और मेरा ही इसमें क्या हाथ है। स्वयं देख सुनकर विवाह करने से क्या मैं रोक सकती हूँ, इत्यादि मृदु वचनों की आवृत्ति करते करते अभ्यासानुसार गृहिणी वर्णमाला सजाने बैठ गई। 2 वर्ष पूर्व हरदेव बाबू की मृत्यु हो गई थी। इस बात को याद कर उनकी आंखों में पानी भर आया, फिर नलिनी की बात को याद कर जल का वेग और भी बढ़ गया। कौन जाने कैसी बहू आएगी। पति के रहने पर शायद नलिनी को ऐसी दुरावस्था नहीं झेलनी पड़ती। सत्येंद्र विवाह कर लाया, माँ ने बहू को वरण कर घर में ले लिया।
फिर जली आंखों में पानी भराया। आंसू बरसाते बरसाते वे बोली, आंखों में कुछ पड़ गया है जो पानी आ रहा है। गिरिबाला बड़ी मुंहफट लड़की है, विशेषकर नलिनी के साथ उसका बहनापा था। वह कह बैठी, इस उम्र में 3 बार और कितनी ही बार आंखों में क्या पड़ेगा कौन जाने। बात को गृहिणी ने सुना, सत्येंद्र के भी कान में गई। कल सत्य की पुष्पशैया यानी सुहाग रात है, कहीं से एक बड़ी भारी भरकम सौगात आई है। वर कन्या के लिए ढाके की साड़ी, धोती, चादर इत्यादि बड़े सुंदर प्रकार की। कन्या के लिए बनारसी साड़ी, ऐसी सुंदर साड़ी इस गांव में इससे पहले किसी ने नहीं देखी। सभी पूछ रहे थे, कहाँ की सौगात है। मां बार बार घूंट सा भरकर जवाब देती हैं, सत्य के किसी मित्र ने भेजी है। गृहिणी ने आंखों के आंसू दबाकर, सच्ची बात को दबाकर, हास्य रुदन मिश्रित मुख से सौगात के मिष्ठान को बंटवा दिया। सब लोग अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। जाते समय राजबाला बोली, खूब सौगात भेजी है। नित्यकला बोली, सो क्यों नहीं होगी, बड़े लोग सौगात भेजते हैं तो ऐसी ही भेजते हैं। क्रमशः यह बात दब गई। तब योगमाया बोली, अच्छा दोबारा विवाह क्यों किया। ज्ञानदा ने कहा, क्या पता बहन, ऐसी रूप गुणवती बहु थी, कौन जाने, वह सब समझ में नहीं आता। रासमणि जाति से नाई की कन्या है, तो भी अच्छी स्थिति है, देखने में भी बुरी नहीं है, केवल नाक ही थोड़ी चपटी है। कोई कोई पराई संपत्ति को दोष देने वाले उसकी आंखों को भी दोष देते हैं, कहते हैं हाथी की आंखों से भी छोटी हैं। खैर, इस निंदा से हमें कोई मतलब नहीं। रासमणि तनिक हंसकर बोली, तुम्हारे सिर में यदि बुद्धि होती तो क्या ऐसी बातें करती। वह जो सदैव खिलखिलाकर हंसती रहती थी, उसी से हमें संदेह हो गया था कि उसका स्वभाव और चरित्र अच्छा नहीं था, अन्यथा नौकरों की तरह भगा देते, फिर ब्याह करते। मुख से कुछ न कहने पर भी उसकी बात बहुतों के मत से मिल गई। इसके 2-1 दिन बाद गांव में प्रायः सभी लोग जान गए कि रासमणि ने जमींदार के घर का गूढ़ रहस्य प्रकट कर दिया है। नाई की लड़की न होती तो इतनी बुद्धि क्या किसी ब्राह्मण कायस्थ की लड़की में होती। बात को बहुतों ने स्वीकार कर लिया। इस बार गृहिणी की बारी थी। यह बात जब उनके कान में पहुंची तो वे घर के किवाड़ बंद कर एकदम पृथ्वी पर लौटने लगीं। हमारी नलिनी उल्टा, कौन जाने क्यों, गृहिणी ने सरला की अपेक्षा नलिनी को अधिक प्यार किया था। जिंदगी भर के लिए उसी नलिनी का भाग्य फूट गया था। गृहिणी ने मन ही मन सोचा, सत्य रखे तो ठीक, अन्यथा मैं ही नलिनी को लेकर काशी में रहूंगी। अभागिनी की इस जन्म की सभी साधे मिट गईं। तब उन्होंने द्वार खोलकर मातू को बुलवा कर फिर द्वार बंद कर लिए। मातू ही सौगात लेकर आई थी। दोनों के आंसुओं का बड़ी देर तक विनिमय हुआ। किस तरह नलिनी का सुनहरा रंग काला पड़ गया, किस अपराध पर सत्येंद्र ने उसे पांवों से ठुकराया, कितने कातर कंठ से उसने सास को प्रणाम कहलाया, इत्यादि विवरण मातंगिनी ने खूब समझा समझा कर आंखें पोंछते पोंछते गृहिणी को सुनाया। सुन सुनकर गृहिणी का पहला स्नेह 9 गुना बढ़ गया। पुत्र के ऊपर दारुण अभिमान उत्पन्न हो गया। मन ही मन उन्होंने सोचा, मैं क्या सत्य की कोई नहीं हूँ, मेरी सभी बातें क्या उपेक्षा के योग्य हैं? मेरी क्या एक भी बात नहीं रहेगी, मैं फिर नलिनी को घर लाऊंगी, ऐसी लक्ष्मी की क्या ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए। उसी दिन संध्या के समय माँ ने पुत्र को बुलाकर कहा, नलिनी को ले आओ। पुत्र ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। माँ रो पड़ी, बोली, अरे मेरी नलिनी के नाम पर गांव में कलंक फैल रहा है, तू उसका पति है, उसका सम्मान नहीं रखेगा। कैसा कलंक? इस तरह निकाल देने पर और दूसरा विवाह कर लेने पर मैं किस तरह किसका मुंह बंद करूंगी? मुंह बंद करके क्या होगा, तो भी लाएगा नहीं। नहीं, माँ अत्यंत क्रुद्ध हो गई। किस प्रकार क्रुद्ध होना पड़ेगा एवं तब क्या बात कहनी होगी, इसे वे पहले से ही स्थिर कराई थी।
आज तो कुछ सोचना नहीं पड़ा, बोली, तब कल ही मुझे काशी भेज दो, मैं इस जगह एक पल भी और नहीं रहना चाहती। सत्य अब वह सत्य नहीं है। सरला के आदर का धन, खेलने की वस्तुएं, शोक की चीजें, अन्य मनस्क, उच्च मना, सरल हृदय, प्रफुल्ल बदन, पति, नलिनी के बड़े यत्न और बड़े क्लेश से मन लायक बना हुआ सत्येंद्र अब वैसा नहीं रहा। उसने भी छाती पर पत्थर रख लिया है। लज्जा शर्म, हिताहित ज्ञान, सब कुछ खो बैठा है। वह अनायास ही बोला, तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ, मैं किसी को भी अब नहीं ला सकता। सत्य के मुंह से यह बात सुनूंगी, माने ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वह रोती रोती चली गई। जाते समय एक बार बोली, मेरी बहू कुलटा नहीं है, इसे खूब जान लेना। गांव के लोग जो चाहे सो कहें, परंतु मैं उन पर कभी विश्वास नहीं कर सकती। दूसरे दिन बुआ ने सत्येंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारे एक स्नेही ने तुम्हें सौगात भेजी है, तुमने देखी है क्या? सत्येंद्र ने गर्दन हिलाई, बोला, नहीं, किस स्नेही ने? पता नहीं, बैठो, कपड़े वगैरह लिए आती हूँ। थोड़ी देर बाद ही बुआ कपड़ों का एक बंडल ले आई। सत्य ने देखा, बहुत मूल्यवान वस्त्र हैं। वह चकित रह गया, किस स्नेही ने भेजे हैं? बनारसी साड़ी को अच्छी तरह देखते देखते उसने लक्ष्य किया, एक कोने में कुछ बंधा हुआ है। खोलकर देखा, एक छोटा सा पत्र है। हस्ताक्षर देखकर सत्येंद्र के मस्तक में छौंक सा लग गया। लिखा था, बहन, स्नेह का उपहार लौटाना मत। तुम्हारी दीदी ने जो भेजा है उसे स्वीकार करना। उस रात्रि की पुष्प शैया सत्येंद्र के लिए कंटक शैया हो गई। भाग 9, नरेंद्र बाबू का पत्र। युवक का अभिमान किसी बालक ने देखा है क्या? सत्येंद्र की भांति अभिमान करके अनर्थ पात करते हुए किसी बालक को देखा है क्या? बचपन में पुस्तक लेकर खेल किया करता था तो पिता द्वारा सजा मिला करती थी। सत्येंद्रनाथ, तुमने हृदय को लेकर खेल किया है। दंड पाने का भय कभी होता है क्या? तुम लोग युवक हो, संपूर्ण संसार तुम्हारे लिए सुख का घर है, परंतु बताओ तो, तुम लोगों को क्या कभी ऐसा समय नहीं मिला जब प्राण वास्तव में भार रूप अनुभव हुए हों, जबकि जीवन की प्रत्येक गांठों ने क्लांत भाव से ढल पड़ने का उपक्रम किया हो? न मिला हो तो एक बार सत्येंद्र नाथ को देखो। घृणा करने की इच्छा हो तो स्वच्छंद रूप से घृणा करो। घृणा करो मगर सहानुभूति प्रकट मत करो। घृणा करो, कुछ कहो मत, दया मत करो, मर जाएगा। पापी यदि मर जाए तो प्रायश्चित कौन करेगा? सत्येंद्र के शांत जीवन का प्रत्येक दिन एक एक दुस्सह बोझ ले आता है। सारे दिन छटपटाने पर भी जैसे उस बोझ को वह उतार नहीं पाता। सत्येंद्र को कभी कभी लगता जैसे उसका वह अतीत जीवन पूर्ण रूपेण विस्मृत हो गया है। केवल किसी भी प्रकार नहीं भूला है तो यह है कि उसकी साधु की नलिनी पवना में दुष्चरित्र हो गई थी, इसीलिए वह अपने पति द्वारा त्याग दी गई। प्रायः 2 मास बीत गए, सत्येंद्रनाथ का विवाह हो चुका है। आज एक पत्र और एक छोटा सा पार्सल आकर सत्येंद्र के पास पहुंचा। पत्र नलिनी के भाई नरेंद्र बाबू का है। वह इस प्रकार है, सत्येंद्र बाबू, अत्यंत अनिच्छा होते हुए भी आपको जो पत्र लिख रहा हूँ वह केवल अपनी प्राणाधिका बहन नलिनी के लिए। मृत्यु से पहले बहुत बहुत कह गई थी, इस अंगूठी को आपके पास फिर से भेज दिया जाए। आपकी नामांकित अंगूठी भेज रहा हूँ। बहन की इच्छा थी इसे आप अपनी नई पत्नी को पहना दें। आशा करता हूँ आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे। और मृत्यु के पूर्व वह आपसे विशेष अनुनय कर गई है कि उसकी छोटी बहन क्लेश ना पाए। नरेंद्रनाथ। नलिनी के जब एक छोटा सा बालक होकर मर गया था, सत्येंद्रनाथ ने इस अंगूठी को उसके हाथ में पहना दिया था। वह बात याद आई क्या? सत्येंद्रनाथ अब पवना नहीं जाते, जो भी कारण हो। माता भी काशीवास नहीं कर सकी। नई बहू का नाम विधु,
विधु शायद पूर्व जन्म में नलिनी की बहन थी। अभी आप सुन रहे थे श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।